इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक है, ओके। इसको बोलते हैं हम टॉर्क ऑन ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे उसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, ओके, तो उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम इस लेक्चर में। तो देखो, टॉर्क का कंसेप्ट हम 11th में पढ़े थे, वो जो रिजिड बॉडी वाला जो चैप्टर था ना, उसमें थोड़ा बहुत पढ़े थे। तो देखो, ये कितना आप लोगों को याद है ये तो मेरे को पता नहीं है, तो उस वजह से मैं चाहता हूँ आप लोगों को पहले ये बेसिक कंसेप्ट जो जरूरी है इस मतलब ये टॉपिक को समझने के लिए, इसको मैं पहले बता दूँ आप लोगों को, है ना। तो इसका मतलब टॉर्क है क्या, और टॉर्क के साथ साथ एक नया चीज भी आप लोगों को बता दूंगा, कपल है क्या, है ना। ये टॉर्क और कपल का जो कंसेप्ट है पूरा थ्रू आउट फिजिक्स 1 आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए ये दोनों कंसेप्ट अभी जो बताने जा रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आगे जाके मैग्नेटिज्म में भी ये काम आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस वाले चैप्टर में भी इसका जरूरत पड़ेगा, कपल का और ये टॉर्क का जो कंसेप्ट है। तो इसलिए इसको ध्यान से सुन लेना ये दोनों चीज है क्या। फिर उसके बाद मैं बता दूंगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है ना, तो इलेक्ट्रिक हो या आगे जाके मैग्नेटिक भी हो, है ना। यूनिफॉर्म फील्ड जब बोलेंगे उसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जब बोलेंगे उसका मतलब है क्या, पता है समझ में। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप लोगों को टॉर्क का कंसेप्ट, तो इसको ध्यान से बोर्ड पे देखो, अटेंशन इधर, है ना। तो देखो, टॉर्क का कंसेप्ट बताने से पहले डायग्राम प्लॉट करो उसको। देखो, ये हमारा टू डायमेंशनल प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। लेट अस सपोज हियर इज ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक हमारा ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर है ओरिजिन से, उसको ले लो आर वेक्टर, है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन वेक्टर ओरिजिन ओ से, इस वेक्टर को ले लिए हम आर वेक्टर। अब लेट अस सपोज इफ फोर्स, ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टेड ऑन दैट ऑब्जेक्ट, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लग रहा है। तो मान लो इस तरफ एक फोर्स लग रहा है एफ अमाउंट का, पता है समझ में। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि जो टॉर्क है ये रोटेशनल मोशन के लिए एजेंट है, तो मतलब टॉर्क की वजह से कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन करता है, पता है समझ में। जैसे फोर्स की वजह से कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशनल मोशन करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन का एजेंट मतलब कारक वही है फोर्स। सिमिलरली रोटेशनल मोशन, कहीं पे भी रोटेशनल मोशन हो रहा है तो इसका मतलब एक टॉर्क की वजह से वो रोटेशनल मोशन हो रहा है, क्लियर है। तो रोटेशनल मोशन को क्रिएट करता है हमारा ये टॉर्क, ओके। तो ये टॉर्क और फोर्स के बीच में ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है, बस छोटा सा डिफरेंस है, फोर्स ट्रांसलेशनल मोशन करवाता है, टॉर्क रोटेशनल मोशन करवाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था इसके ऊपर इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा ताकि उसको घुमाने के लिए, ओके, क्या करने के लिए, घुमाने के लिए, इसका पोजीशन वेक्टर इस तरफ था, और ये आर पोजीशन वेक्टर और एफ के बीच में जो थीटा एंगल है यहाँ पे, मान लो ये एंगल थीटा है। तो हम लोग पढ़े थे 11th में, याद करो और इसको हमेशा याद रखना कि जो टॉर्क का डेफिनेशन है ये है क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स, ओके। तो लीनियर फोर्स, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट जहां पे लग जाता है ना, तो आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है, तो इसका मतलब ये हमारा लीनियर फोर्स का अमाउंट है, और उसको जब आर वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, आर क्रॉस एफ कर देते हैं, उस केस में हमको टॉर्क का मतलब अमाउंट मिल जाता है, पता है समझ में। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमको मिलता है पोजीशन वेक्टर, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन वेक्टर, और उसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से हमको टॉर्क मिल जाता है। तो टॉर्क कितना हो गया, आर क्रॉस एफ, ये सबको याद रहना जरूरी है, पता है समझ में। फिर आप लोगों को बताए, जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है फिर उससे क्या निकलता है, देखो टाउ ये हो गया आर एफ साइन थीटा एन कैप, ओके, ये वेक्टर हो गया। अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आर एफ साइन थीटा, ओके, तो ये हो गया आर एफ साइन थीटा, क्योंकि ए क्रॉस बी या तो ए बी साइन थीटा था, तो सिमिलरली आर क्रॉस एफ यहाँ पे आर एफ साइन थीटा हो गया, बताया समझ में। तो यहाँ पे और एक चीज देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर साइन थीटा इंटू एफ, मतलब सजा के थोड़ा लिख दिया, ये ऐसे क्यों लिखा, देखो ये आर साइन थीटा जो है ना, इसको आर परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ, आर परपेंडिकुलर इंटू ये इंटू क्रॉस प्रोडक्ट मत समझना, ये इंटू है ना, तो ये टाउ मिल गया आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर जितना फोर्स लग रहा है
और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से, ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके ऊपर, इन दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद हमको टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, पता है सबके। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पे है ये डायग्राम में समझते हैं बढ़िया से। देखो मैं अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, इसको मैं इधर एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये हो गया हमारा लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, मतलब फोर्स इस लाइन में एक्ट हो रहा है, पता है समझ में। तो मेरे को पता ये थीटा एंगल था, ये वर्टिकल अपोजिट, ये भी थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ मेरे को, हो जाएगा। तो अब मेरे को बताओ यहां से यहां तक ये पोजीशन वेक्टर r था, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड हो गया r, क्या हो गया r, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल थीटा है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो परपेंडिकुलर है, हमेशा याद रखो ये जो साइन थीटा होता है ये क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ मेरे को, हो जाएगा आप लोगों को बार बार बताया। तो यहाँ पे मेरे को बताओ, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज टाइम्स साइन थीटा, इसका मतलब आर टाइम, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आर है तो आर टाइम्स साइन थीटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर मिल गया आर साइन थीटा, बात है समझ में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम r sin theta लिखे हैं वो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, ओ से मान लो ये d है, ये डिस्टेंस है, ओ d डिस्टेंस है, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, ओरिजिन और ये फोर्स जिस मतलब लाइन में लग रहा है उसके बीच में, क्लियर है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को ही हम लिख रहे हैं आर परपेंडिकुलर। तो हमेशा याद रखो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उस फोर्स के लाइन ऑफ मतलब एक्शन के डायरेक्शन के ऊपर हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इसका जो पोजीशन वेक्टर का। तो इसका पोजीशन वेक्टर ये था हमारा, तो ये पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम ड्रॉ करते हैं इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन, ये हो गया आर परपेंडिकुलर, ये हो गया आर साइन थीटा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इस फोर्स के साथ इंटू करने के बाद हमको मिल जाता है टॉर्क, क्या मिल जाता है टॉर्क, इतना सबको याद रहेगा। तो यही है टॉर्क का कंसेप्ट, टॉर्क को मैथमेटिकली फाइंड आउट करने का, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का ये तरीका है, और उसका जो वेक्टर फाइंड आउट करने का आर क्रॉस एफ, ये फॉर्मूला है। और टॉर्क का फिजिकल मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया कि ये रोटेशनल मोशन करवाता है, क्लियर है। देखो अब टॉर्क बता दिया आप लोगों को, कपल बता देता हूँ, कपल क्या है देखो, अब समझते हैं कि ये कपल चीज है। जैसे कि कपल का तुम जब भी नाम सुनते हो तो एक लड़का लड़की हस्बैंड वाइफ तुम्हारे दिमाग में आ जाता है, मगर ये अब फिजिक्स में कपल का मतलब भी कुछ अलग है, मगर कुछ सिमिलर तरीके में है। देखो एक डिस्क है, मान लो यहाँ पे एक डिस्क, जब इस पॉइंट पे इधर एक फोर्स लग रहा है और उतना ही अमाउंट का फोर्स ये इस पॉइंट पे इस तरफ लग रहा है, देखो सेम अमाउंट का फोर्स दो पॉइंट पे लग रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, ओके। तो ये जो फोर्स, पेयर ऑफ फोर्स है ना, इसको ही बोलेंगे कपल, क्या बोलेंगे कपल। और ये कपल की वजह से भी एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि आप लोगों को अभी बताया कि इस फोर्स की वजह से मान लो इस एक्सिस के चारों तरफ ये डिस्क घूम रहा है, तो इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ड्रॉ करूंगा, हमेशा याद रखो जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो है उसके प्रति जिस एक्सिस के चारों तरफ वो रोटेट कर रहा है, ओके, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, ये हमको मिल जाएगा टॉर्क। तो इस फोर्स की वजह से ये आर इधर हो गया पोजीशन वेक्टर, और एक आर क्रॉस एफ हो गया ये टॉर्क का डायरेक्शन इस तरफ। तो सिमिलरली ये इधर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ये आर का डायरेक्शन हो गया, और आर क्रॉस एफ करेंगे टॉर्क का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो दोनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और दोनों की वजह से ये डिस्क घूमने लगेगा, पता है समझ में। तो जब कपल की बात करते हैं, कपल का मतलब एक पेयर ऑफ फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट्स पे, पता है समझ में, सेम पोजीशन पे एक्ट नहीं कर रहे, उस केस में पेयर ऑफ फोर्सेस को बोलेंगे कपल। और इस कपल की वजह से भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसको पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टॉर्क इक्वल टू आइदर फोर्स, ये दोनों में से कोई एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम है, तो फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल, बात है समझ में। अब ये आर्म ऑफ द कपल है क्या चीज, ये दोनों फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ना उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी को ही बोलते हैं आर्म ऑफ कपल, क्या बोलते हैं आर्म ऑफ कपल।
तो ये आर्म ऑफ कपल इसका जो वैल्यू है इधर लाके पुट करो और वो आर्म ऑफ कपल को फोर्स के साथ इनटू कर दो और इस कपल की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। और हम देखेंगे कि डाइपोल के केस में भी एग्जैक्टली एक पेयर ऑफ अपोजिट फोर्स है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा और उनकी वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क को हमको पता करना है। क्लियर है? ये हो गया हमारा कपल का कंसेप्ट। अगर ये दोनों चीज समझ में आ गया तो ये जो टॉपिक जब मैं बताऊंगा अभी तो ये आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब देखते हैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का कंसेप्ट। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है क्या? देखो यूनिफॉर्म से आप लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ सेम होगा। जब तुम लोग स्कूल को आते हो यूनिफॉर्म पहन के तो उस केस में सबका कपड़ा एक जैसा दिखता है ना, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। जब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी सेम रहेगा एक मतलब उस केस में उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म फील्ड। मगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड क्या है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड वो फील्ड है जहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है अलग अलग है, तो उस केस में उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बोला जाएगा। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसको फील्ड लाइन्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमेशा याद रखो जब भी तुमको पैरेलल लाइन मतलब फील्ड लाइंस तुमको दिखेगा, इस तरह का पैरेलल फील्ड लाइंस दिखेगा या इस तरह का पैरेलल फील्ड लाइंस दिखेगा तो इसका मतलब है ये हमेशा बताता है ये यूनिफॉर्म फील्ड को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बताएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो एक कंसेप्ट में बताया था पहले याद करो, जहां पे फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है वहां पे फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा रहता था, जहां पे कम रहता था वहां पे फील्ड इंटेंसिटी उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता था। तो यहां पे देखो हर जगह सेम है, तो इस एरिया को मैं कंसीडर करूंगा, यहां पे 1 2 3 4 फील्ड लाइन है, तो इस एरिया को कंसीडर कर रहा हूं 1 2 3 4 फील्ड लाइन है, तो फील्ड लाइन का डेंसिटी दोनों जगह सेम है, तो इसका मतलब यहां पे भी फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू मिलेगा यहां पे भी वही वैल्यू मिलेगा। सेम इज हियर आल्सो, तो यहां पे भी हर जगह हर पॉइंट पे मतलब फील्ड इंटेंसिटी बदल नहीं रहा है, उसका वेरी नहीं कर रहा है वो। क्लियर है? तो उस केस में उस तरह का फील्ड को बोलेंगे यूनिफॉर्म फील्ड, और यूनिफॉर्म फील्ड को ना रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेलल फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को दिखा देता हूं, ध्यान से देखो। तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि इस तरह के फील्ड में फील्ड इंटेंसिटी हर जगह सेम नहीं रहेगा, तो एक जगह ज्यादा रहेगा एक जगह कम रहेगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो फील्ड लाइंस ऐसे कुछ रह जाएगा, फील्ड लाइंस इस तरह का। ओके, तो इस केस में देखो इस एरिया में ये जितना एरिया है इस एरिया में 1 2 3 4 दिख रहा है, मगर उतना ही एरिया इधर में ले लूंगा, उतना ही एरिया यहाँ पे देखो 2 ही, तो इसका मतलब ये दूर दूर जा रहे हैं फील्ड लाइंस, तो उतना ही एरिया यहाँ पे लूंगा, यहाँ पे कम फील्ड लाइंस आ गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी का जो वैल्यू है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर हियर और फिर इधर वीकर हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर यहाँ पे वीकर हो गया, तो धीरे धीरे वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है या इस तरह का कुछ फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह का है ना, तो इस तरह का, तो ये सारे फील्ड जो है ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का उदाहरण है, समझ में? तो अब इसको हम रब कर देते हैं और हमारे जो टॉपिक है कि टॉर्क ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम एक डाइपोल को रख देंगे उस केस में उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आएगा, उसको डिराइव करेंगे और फिर उस फॉर्मूले से क्या अलग अलग केसेस आ रहा है उसको भी देख लेंगे। बात है समझ में? तो देखो, तो अब इसके लिए मैं सबसे पहले डायग्राम प्लॉट करूंगा और ये डायग्राम को आप लोगों को समझ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायग्राम कैसे होगा, पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा, तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं, इधर ध्यान से देखो। तो इस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखूंगा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल को मान लो इधर ऐसे रख दिया, यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिक डायपोल का दो पॉइंट, यहाँ पे मान लो माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे मान लो प्लस क्यू चार्ज है। ओके, तो मेरे को बताओ ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ, क्योंकि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जिधर रहता है उधर ही फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन रहता है, तो ई का डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो गया। अब मेरे को बताओ तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना हो जाएगा, मेरे को बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता था क्या, फोर्स अपन चार्ज,
तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, ये चार्ज अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा ना क्यू ई। अरे ये फॉर्मूला याद है कि नहीं, बेसिक फॉर्मूला है, तो इसलिए ये फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हम पता कर सकते हैं इस क्यू चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है ये क्यू इंटू ई हो जाएगा, क्लियर है। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो उसका भी डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन की तरफ, क्लियर है। अब देखो इधर ये जो नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसका अमाउंट मेरे को बताओ, इसका चार्ज माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है। तो ये जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन आ गया। देखो इधर इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो गया, तो ये जो फोर्स है माइनस क्यू ई जो कि माइनस क्यू चार्ज के ऊपर लग रहा है उसका डायरेक्शन है अपोजिट इस फोर्स की तुलना में, पता है इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ। इतना तो समझ में आ गया ना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल को जब रख दिए जिस डायपोल का ये हो गया सेंटर ऑफ डायपोल और ये दोनों चार्जेस थे माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस, आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिक डायपोल में रहते हैं, ओके। तो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वजह से जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसका फोर्स लगेगा, ये पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। और पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड जिधर है उधर ही फोर्स लगेगा, ये भी बता चुका हूँ। और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है और अलग अलग पॉइंट्स पे लग रहे हैं। तो इसका मतलब है ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, कपल प्रोड्यूस करेंगे, और उस कपल की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, टर्क प्रोड्यूस होगा, और उस टर्क का अमाउंट हमको निकालना है, पता है समझ में। और टर्क का अमाउंट निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, अभी जस्ट बताया, ये कपल की वजह से मतलब कपल नाम का जो टर्क प्रोड्यूस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है आइदर फोर्स, फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल, आर्म ऑफ द कपल, तो ये कपल का आर्म को ये फोर्स के साथ इनटू कर दो और तुमको मिल जाएगा ये टर्क, क्लियर है। तो अब मेरे को बताओ ये फोर्स कितना है, फोर्स तो क्यू ही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों जगह क्यू ही है, तो यहाँ पे क्यू ई में रख दिया। अब मेरे को बताओ यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है लेंथ ऑफ द डायपोल उसको हम कितना लेते हैं, टू ए ही लेते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये टू ए हो गया। अब ये आर्म ऑफ द कपल क्या था, याद करो दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये इस तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसको अगर पीछे ऐसे एक्सटेंड कराएंगे यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दोनों फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में, तो दिस इज आवर आर्म ऑफ द कपल, तो ये हो गया हमारा क्या, आर्म ऑफ द कपल, क्लियर है। तो अब देखो अब तो फोर्स हमको मिल गया, अब क्या चाहिए हमको, ये आर्म ऑफ द कपल का डिस्टेंस चाहिए, इतना मिल जाएगा तो हम इधर लाके पुट कर देंगे और हमको टर्क पता चल जाएगा, क्लियर है। तो अब मेरे को बताओ लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई का डायरेक्शन है, अब मेरे को माइनस क्यू से प्लस क्यू ये हमारा किसका डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट ई का डायरेक्शन है कि नहीं मेरे को बताओ, तो अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है और इस पॉइंट पे देखो ई का डायरेक्शन इधर है, लेट अस सपोज थीटा इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, है ना, ये सारे पैरेलल लाइन है ना, तो ये इसका मतलब अगर इसके साथ भी इधर मगर इसको आगे बढ़ाएंगे इधर पी भी ई के साथ वही थीटा एंगल बनाएगा और ये भी थीटा एंगल बनाएगा, तो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है तो ये इंटरसेक्टर है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल होगा कि नहीं होगा, तो अब ये अगर थीटा होगा ये राइट एंगल ट्रायंगल को देखो ये 90 डिग्री थीटा है मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर को कैसे पता करेंगे, अभी बताए थे हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज टाइम साइन थीटा। तो अब मेरे को बताओ ये हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2a है, अब यहाँ पे थीटा है तो ये परपेंडिकुलर जो आर ऑफ द कपल ये कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज टाइम्स मतलब 2a टाइम्स साइन थीटा हो जाएगा, तो इसका मतलब 2a साइन थीटा हो जाएगा हमारा कौन, आर ऑफ द कपल, तो आर ऑफ द कपल हम फाइंड आउट कर लिए हैं 2a साइन थीटा, तो ये 2a साइन थीटा को इधर लाके सब्स्टिट्यूट कर दो और फाइनल आंसर आ जाएगा, बस 5 मिनट बाकी रहा और देख लो 2a साइन थीटा, तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो आगे बढ़ो आ देते तो मेरे को बताओ थोड़ा सजा देते हैं इसको 2a * q 2a क्यूब लेंथ ऑफ द डायपोल इनटू चार्ज क्या हो जाएगा डायपोल मोमेंट, तो यहाँ पे 2a क्यूब ये मिल के हो गया डायपोल मोमेंट और e को e बचा फिर साइन थीटा हो गया। अब मेरे को बताओ ए बी साइन थीटा को अगर a क्रॉस b लिख सकते हैं तो p e साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं p क्रॉस e, तो इसका मतलब ये हो गया p क्रॉस e, तो ये हो गया हमारा टॉर्क,
टॉर्क का ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है ना। तो एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ पे पी की साइन थीटा है, तो इसलिए तो ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, तो ये पी क्रॉस ई का मैग्नीट्यूड है। अगर यहाँ पे एक डायरेक्शन लगा देंगे एन क्या यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, उसका वेक्टर फॉर्म। तो इसका मतलब यहां से हमको मिल गया कि टाउ जो होता है ये होता है पी क्रॉस ई। तो यही आप लोगों को याद रखना है कि डायपोल मोमेंट, कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर रखा गया है उसको, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, तो इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हमको इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर जो टॉर्क लग रहा है उसका वैल्यू मिल जाएगा। बताया समझ में? और ये जो टाउ का जो डायरेक्शन है ना वो कहां से पता चलेगा, ये पी क्रॉस ई का राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल लगाओ। तो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, राइट हैंड कॉर्कस्क्रू रूल। तो ये पी क्रॉस ई कर दो इस तरफ हो जाएगा टॉर्क का डायरेक्शन, तो इसका मतलब ये इस तरफ ऐसे मूव करने लगेगा। तो इधर पी क्रॉस ई इधर हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई अंदर की तरफ, तो ये इधर आएगा ये इधर जाएगा, तो ये डायपोल ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। पता है समझ में? अगर इमेजिन करो यहाँ पे HCl एक मतलब मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन माइनस होता है ना, तो क्लोरीन इधर रहेगा हाइड्रोजन इस तरफ रहेगा। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देंगे ना HCl मॉलिक्यूल को, HCl मॉलिक्यूल ऐसे 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 घूमने लगेगा। तो ये किसकी वजह से घूमेगा, ये जो टॉर्क लगेगा ना उसके ऊपर उसकी वजह से घूमेगा। बताया समझ में? तो इतना चीज आपको फाइनल, ये एक्सप्रेशन कैसे आया सबको क्लियर है कि नहीं और याद रहेगा कि नहीं, क्लियर है? तो अब इसका छोटा मोटा केस है, एक दो केस इसको बताता हूँ। मेरे को बताओ जब ये इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू इस तरफ रख दिया, तो पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन सेम हो गया, तो थीटा कितना हो जाएगा, जीरो। थीटा जब जीरो हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को बताओ जब थीटा एंगल जीरो होता है क्रॉस प्रोडक्ट कितना हो जाता है, साइन जीरो जीरो, तो इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब टॉर्क हो जाता है जीरो, इसका मतलब नॉर्म वेक्टर हो जाएगा। तो इसका मतलब जब कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल को फील्ड के डायरेक्शन में ही रख देंगे तो वो स्थिर रहेगा, वो रोटेट नहीं करेगा, क्योंकि टॉर्क अमाउंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये तो हो गया एक बात। दूसरा बात है, अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल को ऐसे रख दिया माइनस क्यू ये प्लस क्यू, पी का डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो अब थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री बन गया। जब थीटा 90 डिग्री बन जाएगा मेरे को बताओ, तो ये साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाता है जब थीटा 90 डिग्री बन जाता है, तो इसका मतलब है तो यहाँ पे जब थीटा 90 हो जाएगा ना पी और ई के बीच में, तो ये टॉर्क हो जाएगा मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इसका मतलब वो मैक्सिमम घूमेगा, मैक्सिमम टॉर्क के साथ ये डायपोल घूमेगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब पी डायपोल मोमेंट और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनके बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। और टॉर्क जीरो कब होगा या स्टेबल इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा, जब पी और ई के बीच में एंगल कितना बनेगा, जीरो। ओके, तो ये था आज के लिए हमारा टॉपिक। तो इसके साथ साथ आरबीसी मतलब कोर्स के अनुसार जो आपके चैप्टर नंबर 1 में जितने चीज था ना लगभग बता दी हूँ आप लोगों को। तो आने वाले लेक्चर्स में, एक दो लेक्चर्स में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको डिस्कशन करूंगा, और बढ़िया से हम पूरा मतलब डेडिकेटेडली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन करेंगे। ओके, कुछ सवाल मैं लिखूंगा उसको सॉल्व करके भी बता दूंगा। तो एक दो लेक्चर में ये करके फिर चैप्टर नंबर 2 पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर बढ़िया लगा और समझ में आया। अगर समझ में आया सबके साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसे मत करो कि देख के बंद कर दिया। ओके, तो देख के लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट भी करना है। ये सब करते रहोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। और आज के लिए इतना ही है, सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन यू प्लीज बी स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।